लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होंगे। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बसपा, सपा, आरएनडीआई की अगुवाई हाथी कर रहा है। 8 में से बसपा 6 सीटों पर चुनाव मतदान में है और सपा आरएनडीआई एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से मायावती बनाम नरेंद्र मोदी के बीच चुनावी मुकाबला है। हालांकि इसी दौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बाबर और बीजेपी की हेमा मालिनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यूपी के दूसरे चरण में नगीना, बुलंदशहर, आगरा और हाथरस सुरक्षित सीट हैं। इसके अलावा अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा और फतेहपुर सिकरी सीट शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 8 सीटों को बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में बसपा नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सिकरी सीट पर किस्मत आजमा रही है। हाथरस की सीट पर सपा और मथुरा सीट पर अलीगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं।